157। फॉगी फॉग है भाई, जहाँ देखो जहाँ नजर जा रही ना वहाँ फॉगी फॉग। प्याज और शिमला मिर्च हाफ फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें डाल दूंगा। अब सूप की बारी, बाकी जो सामने के नजारे ना गाइस। कुछ ही देर बाद हो जाएगी शाम, और एक बार चारों ओर के नज़ारे देख लीजिए, क्या खतरनाक वेदर हो रखा है। ये देखिए, और गाइस मैं आया हूँ ये सामने से भाई, 30 किलोमीटर के आसपास मैं आ चुका हूँ, और अब मैं करने वाला हूँ ये सामने के ही जंगल में कहीं ना कहीं एक बढ़िया सी लोकेशन ढूंढ के। आगे मेरे को रोड दिख रही है, और उसके ऊपर देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया लोकेशन है। यूं ही नहीं पागल होते लोग पहाड़ों में आने के लिए, तो यही सब तो है गाइस जिसे देखने के लिए ना लोग दूर दूर से पहाड़ों की ओर खींचे चले आते हैं। तो चलिए आप लोग इन्जॉय कीजिए मेरे वीडियो के माध्यम से इन खूबसूरत खूबसूरत नज़ारों को। गाइज अभी पहुंच रहा हूं लोकेशन पे, लोकेशन ढूंढते ढूंढते ना इतना टाइम हो गया, और यहां पहुंचते पहुंचते देखिए पूरी तरीके से अंधेरा हो गया, रात हो चुकी है। गाइस तो सेम इसी जगह पे मुझे अपना टेंट पिच करना है, और सामने से ना बिजली कड़क रही है, तो हो सकता है कि कुछ देर बाद वो मौसम यहाँ की तरफ आ जाए और बरसात होने लगे, तो उससे पहले टेंट पिच करते हैं। और देखिए टेंट के क्या हाल है, पूरा गीला हो रखा है भाई। इस वाले टेंट को लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है भाई, नॉर्मल केचुआ के बेसिक टेंट से अकेले लगाने में ना ये टेंट को बहुत ज्यादा हालत खराब होती है। ये है इसकी कुछ खासियत। और पीछे हो रही है थंडरिंग्स उस वाली साइड से, हो सकता है थोड़ी देर में बारिश भी आ जाए। बस गाइस इनर लेयर लग चुकी है, अब इसके ऊपर से डालता हूं मैं आउटर लेयर।
तो गाइज देखा इतना टाइम लगा भाई इसको पिच करने में, धो धन के ये पिच हुआ है भाई बड़ी मुश्किल से। मतलब धो धन यानी कि हमारे लोकल में बोलते हैं बड़ी मुश्किल से ये पिच हुआ अभी। फाइनली गाइज अब जाके मैं बिल्कुल रिस्क फ्री हो सकता हूँ। बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया है, टेंट हल्का हल्का गीला अंदर से भी है, तो मैट मैं यहाँ पे बिछाता हूँ और बाहर की तरफ मैं कर लूँगा कुकिंग, क्योंकि इसमें बढ़िया बालकनी बनी हुई है। सबसे ज़्यादा खतरा ना आज का लीच का है। और अब मैं निकाल लेता हूँ सामान जो कि आज मैं बनाने वाला हूँ। वो सारी चीज निकाल लेते हैं जिनकी आज जरूरत पड़ेगी, सबको बाहर रख लेता हूँ मैं। कुछ तो लेट वैसे ही हो चुका था क्योंकि मैं यहाँ पे पहुँचते पहुँचते काफी लेट था। और बाकी अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, आप लोग यकीन नहीं करोगे, 11:51 लगभग रात के बजने वाले 12, और अब जाके मेरी कुकिंग स्टार्ट हो रही है और मैंने अपना सारा सामान निकाल लिया। आज मैं ज्यादा कुछ ऐसा बनाने वाला भी नहीं हूँ जो कि बहुत ज्यादा टफ होगा, मैं आज अपने लिए बढ़िया से नूडल्स बनाता हूँ। तो भाई रिस्क बढ़ रहा है क्योंकि चारों ओर बहुत ही ज़्यादा डीप फॉरेस्ट है, और मैं जब कल सुबह होगी ना आपको सुबह दिखाऊंगा कि कितना तगड़ा जंगल है। और पीछे साइड में ना जैसे जहाँ पे मैंने अभी कैमरा माउंट किया है इसके जस्ट पीछे, सिर्फ 2 मीटर पीछे गहरी खाई है, तो रिस्क तो है ही। एक काम करते हैं, बालकनी का जो डोर है उसको मैं कर लेता हूँ क्लोज और अंदर ही अंदर अपनी कुकिंग करता हूँ बढ़िया से। और बाकी आपको यकीन नहीं आ रहा तो एक बार मैं आपको कोहरा दिखा देता हूँ। चलिए अब बाहर निकलना बिना वेपन के बहुत ज्यादा खतरनाक है। देखिए गाइस चारों ओर फॉग ही फॉग है और ये ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़, और यहाँ पे लगी है मेरी बाइक और यहाँ पे टेंट पीछे। तो गाइस अब रिस्क बढ़ने लगा है, अंदर ही चलते हैं और अंदर जाके अपनी कुकिंग करते हैं, बाहर की लेयरिंग कर देते हैं बंद। एक तरफ का पर्दा ना खोल लेता हूँ जिससे कि थोड़ा बहुत बाहर नजर जा सके। फॉग की वजह से देखिए इस पे भी कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है। प्याज को ज़्यादा बारीक नहीं करूँगा भाई, वैसे ही छोटा प्याज है बेचारा, बुरा मान जाएगा, तो ज़्यादा टुकड़े नहीं करूँगा इसके में भाई, इतने काफ़ी हैं। इसके बाद शिमला मिर्च, प्याज, और साथ ही साथ शिमला मिर्च, दोनों अपने आप फ्राई होती हैं भाई बढ़िया से।
प्याज और शिमला मिर्च हाफ फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें डाल दूंगा ये हरी मिर्च और इसके बाद ये पत्ता गोभी अब टाइम है गाइस इस पे एक काला सोया सॉस ऐड करने का थोड़ा सा ये चिली विनेगर भाई बहुत जोरों की भूख लग रही है तो कम से कम इतना तो यार मैं खा जाऊंगा और इसके बाद ऐड कर लेते हैं सारे मसाले हल्दी मिर्च ये धनिया और गाइस थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ मैं इस पे ये रेड चिली नमक तो भाई मैं भूल जा रहा हूँ तो गाइस नूडल्स तो बनके हो गए तैयार अभी मुझे नूडल के बाद ये सूप भी बनाना है तो सूप के लिए मैं पानी उबाल लूंगा इतना इनफ है थोड़ा सा गाइस नमक मैं बढ़ाऊंगा क्योंकि इस सूप में ना मुझे नमक बिल्कुल ही कम लगता है बस तो गाइस अब देख लें टाइम 1:01 बचा हुआ है अब जाके अपनी कुकिंग कंप्लीट हुई भाई तो यार गाइस देखिए इतना टाइम लगता है तो प्लेट व्लेट रहने दो क्योंकि बर्तन जितने कम से कम खराब होंगे उतने कम धोने को मिलेंगे वाओ अरे मत गिर भाई ऐसे नहीं होगा भाई ये दोनों से उठा के होगा भाई बड़ी अजीब आवाज आ रही तो गाइस देखिए अभी सॉस वॉस कुछ भी डालने का मेरा मन नहीं है मुझे वैसे भी बिना सॉस के ये चीज अच्छी लगती है भाई अब मैं टेस्ट करता हूं कि मैंने खुद कैसा बना रखा है इसे वाओ मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है उतना भी ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत स्पाइसी पसंद है मजा आ गया एक एक नूडल अलग है भाई अभी तक अल्टीमेट अब सूप की बारी उसमें अभी भी नमक कम है यार नमक गायब हो जा रहा भाई और गाइस स्लीपिंग बैग मैंने इधर लगा लिया ठीक है एक वेपन रख लूंगा अपने सिराने पे और आज मैं देखिए सिराना इधर की ओर कर रहा हूँ क्योंकि ना यहाँ की तरफ देखिए ढाल है तो सिराना यहाँ की तरफ करते हैं और मस्त करके सो जाते हैं
बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि मैं दिन में भी भाई घर पे थोड़ा सा काम था तो वो किया। गाइस गुड नाइट यार, आपसे मिलता हूँ कल सुबह, और सुबह दिखाता हूँ यहाँ के प्यारे प्यारे खूबसूरत नज़ारे। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स गाइस, जय राम जी की। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से देखिए एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है इतनी खूबसूरत लोकेशन के साथ। और जो सामने का व्यू है ना गाइस, वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। तो यार गाइस, अब मैं बना लेता हूँ अपने लिए मॉर्निंग वाली कॉफ़ी, और सुबह सुबह के इन प्यारे नज़ारों के साथ। अभी तक हल्की हल्की सी धूप आ गई थी, उसके बाद फिर से वैसा ही मौसम हो गया, और मैं क्या ही बोलूँ यार इस जगह के बारे में। मंत्रमुग्ध करने वाली जगह है भाई। तो चलो गाइस, कॉफी पी के मंत्रमुग्ध होते हैं क्यों? नहीं यार, चाय पी ली यार। अब हवा चलने लग गई, विंडशील्ड की जरूरत इसीलिए पड़ती है। भाई डाल लेता हूँ चाय पत्ती। अरे चाय तो उबल गई, अब इसमें डाल लेता हूँ मैं अपने स्वाद के अनुसार चीनी। सबसे आखिरी में डाल लेते हैं दूध।
आई चाय उबलने लग गई, देखिए क्या बढ़िया कलर रखा है। देखिए हवा कम चले करके मैंने ये जो बकरियां थी ना सूते ये लगा लिया यहाँ पे। अब भाई चाय डाल लेता हूँ अपने लिए। चीयर्स गाइस, मॉर्निंग टी के साथ। वाओ, ऐसी चाय और सामने में इतने सुंदर नजारे। बार बार यही कहने का मन कर रहा है ना, नजर नहीं हट रही भाई यहाँ पे ना। जैसे अल्मोड़ा कसार देवी में कुछ चीजें हैं, वो चीजें यहाँ भी फील हो रही है मुझे कि मतलब मंत्रमुग्ध होने वाली। गाइस अब टाइम है पैकिंग का और टाइम हो चुका है सुबह के 10:30। तो भाई मैं इसको पैक करता हूँ, लेकिन यार मन नहीं है, बिल्कुल मन नहीं है यहाँ से जाने का। और पहली बार ना यहाँ पे कुछ रिस्क जैसा भी फील नहीं हुआ। होने को बहुत तगड़ा जंगल है, नीचे की तरफ देखिए खाई है, पीछे तो दिख ही रहा है जंगल। कुछ ना कुछ है इस जगह पे भाई। तो मैं करता हूँ पैकिंग और पैकिंग करने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस अब पैकिंग अपनी हो चुकी है भाई, और जो भी वेस्टेज था कूड़ा वगैरह वो मैंने ये देखिए अपने साथ ही रखा हुआ है। और ऐसा कभी भी नहीं होता गाइस कि मैं लोकेशन को गंदा करके जाऊं। इवन हम सारे लोग कभी भी लोकेशन को गंदा करके नहीं जाते, जो भी डस्ट वगैरह होता है वो अपने साथ लेके ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं एक और नई लोकेशन पे, नए एडवेंचर पे। और तब तक रखिए अपना ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलूंगा अब आपसे नए ब्लॉग पे। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, टिल देन गुड बाय।